हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो। एंड फाइनली एंड्रॉइड 14 का रोम जो है वो रिलीज हो चुका है हमारे पोको F1 के लिए। इंस्टॉलेशन वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उस लिंक को फॉलो करके आप उस वीडियो को देख सकते हो जिससे आप इस रोम को इंस्टॉल कर पाओगे। तो आज इस वीडियो में जो है मैं पूरा डिटेल रोम का रिव्यू करने वाला हूं। यहां पर क्या परफॉर्मेंस है, बैटरी बैकअप कैसी है, गेमिंग कैसे देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में जो है मैं क्या क्या एंड्रॉइड 14 के फीचर्स हैं उनको कवर नहीं करूंगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उस वीडियो में मैंने दो पोको F1 ली है, एक पोको F1 में मैंने एंड्रॉइड 13 की रोम डाली है और दूसरे पोको F1 में ये वाली एंड्रॉइड 14 की रोम है। तो उन दोनों को मैंने कंपेयर करके दोनों को साइड बाय साइड पूरे फीचर्स एक्सप्लेन किए हैं, तो उस वीडियो को देख लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में जो है बेसिक चीजें मैं कवर करने वाला हूं, परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप और भी यहां पे सेफ्टी नेट वगैरह क्या चीजें आपको मिलेगी, कैसी रोम है और क्या दिक्कतें मैंने फेस की, क्या बग्स है इस रोम में, सारी चीजें डिटेल में कवर की है। गेमिंग भी इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत अच्छा यहां पर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा इस रोम का, क्या कैसा है, स्टेबिलिटी वगैरह सब डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना, वहां पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्मूथनेस तो कमाल ही लग रही है। और अगर हमें अबाउट सेक्शन में आ जाऊँ तो रोम जो है एंड्रॉयड 14 पर रन कर रहा है और इसका इस तरह कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। आप जैसे देख पा रहे हो आसमान में तारे और इसको मैं करता हूँ क्लियर। और सिक्योरिटी पैच के बारे में बात करूँ तो अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कर्नल है वो सिल्वर कोर यहाँ पे 10.20 का देखने को मिल जाता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें सेफ्टी नेट की, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमें पास देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जी कैम जो है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, BSG 8.7 मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और वीडियो वगैरह सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है, कोई क्रैशिंग इशू नहीं है। सी लिनक्स स्टेटस यहाँ पे इन्फोर्सिंग रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है इस रोम की, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सी लिनक्स स्टेटस जो है वो इन्फोर्सिंग है, ओके। देन गूगल फोटोज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्पूफिंग मिलेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो गूगल फोटोज में जो है स्पूफिंग मिलेगी, अगेन ये भी काफी तगड़ी बात है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गूगल फीड की, तो गूगल फीड जैसे कि आप देख पा रहे हो स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हल्का सा तो आपको थोड़ा देखने को मिलता है, अब वो इनिशियल बिल्ड है भाई, अभी ठीक है AOSP का इनिशियल बिल्ड है, तो अभी थोड़ा सा वेट करो, अगले आने वाले वीडियोस अगले आने वाले जो अपडेट्स है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, ओके। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कॉलिंग के बारे में, सो कॉलिंग में कोई इशू नहीं है, कॉलिंग वगैरह आप आराम से कर सकते हो। और मैं यहाँ पर तो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है, तो ये बात आपको गौर करनी है। बाकी अगर मैं ऐप ओपनिंग के बारे में बात करूँ तो ऐप ओपनिंग भी बिल्कुल मस्त है, फास्ट है बिल्कुल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको यूज़ में ले सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो एकदम फास्ट है भाई, बहुत तगड़ा आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। इवन जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी स्मूथ सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम नेटवर्क सेक्शन के अंदर चलते हैं और कुछ चीज़ें चेकआउट करते हैं नेटवर्क सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नेटवर्क सेक्शन के अंदर, तो अगर नेटवर्क सेक्शन के अंदर आ जाऊँ तो प्रीफर नेटवर्क यहाँ पे 3G और LTE रिकमेंडेड है, वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो वो चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी पूरा कस्टमाइजेशन और जो भी एंड्रॉइड 14 के फीचर्स है उसको मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो। अब आते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप के ऊपर। जैसे कि मैंने बोला था मेरे सेम डिवाइसेस, सेम मॉडल, सेम कर्नल पे डिवाइसेस रन कर रही है, तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले मैं आपको अबाउट सेक्शन एक बार चेकआउट कराता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या क्या इस पे रन कर रही है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे लेफ्ट में एंड्रॉयड 13 है और राइट में एंड्रॉयड 14, और ये पिक्सल एक्सपीरियंस रोम पे रन कर रही है और ये AOSP रोम पे रन कर रही है, ठीक है। ये एंड्रॉयड 14 का बिल्ड है, अभी जस्ट इनिशियल बिल्ड है ये, ठीक है। सो यहाँ पर जो आप मेजरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर नीचे अगर कर्नल पे गौर करोगे तो कर्नल जो है सेम है, सिल्वर कोर 10.20 यहाँ पे जो है कर्नल देखने को मिल रहा है, सेम कर्नल। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम गीक बेंच 5
स्कोर जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं Geekbench 5 स्कोर ओपन करता हूँ। सो यहाँ पर अगर हम स्कोर देख लेते हैं तो क्या स्कोर निकल गया है एंड्रॉयड 13 और 14 में, आप देख पा रहे हो। एंड्रॉयड 13 में जो है 480 सिंगल कोर है, मल्टी कोर 1784 है, और वही एंड्रॉयड 14 में देख पा रहे हो सिंगल कोर 303 मल्टी कोर है 1665। यहाँ पर जो है हमें स्कोर देखने को मिलता है। देन बात करें एंतुतु स्कोर की, तो एंतुतु स्कोर अगर हम देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस देखो ध्यान से, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंड्रॉयड 13 में जो है 455,746 है, और वही बात करूं यहाँ पर एंतुतु स्कोर हमारे एंड्रॉयड 14 का 483,946 यहाँ पे स्कोर निकल गया है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बैटरी के बारे में। सो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो भी चेकआउट कराता हूँ। सो देखो एक्टिव ड्रेन पे अगर गौर करोगे तो एंड्रॉयड 13 का एक्टिव ड्रेन आपको कुछ 10.67 कुछ देखने को मिल रहा है, और एंड्रॉयड 14 का 9.51 यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है एक्टिव ड्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कंडीशन बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बैटरी बैकअप कैसा है वो एक्चुअली बताता हूँ कि मेरे में कैसा लगा वो बताऊँगा। तो देखो कंडीशन कैसी है, दोनों डिवाइसेस, ये जो दोनों डिवाइसेस है वाईफाई से कनेक्टेड थी, यूट्यूब पे एक घंटे तक के वीडियोस को मैंने प्ले करवाया इन पे, और 50% ब्राइटनेस रखा दोनों का, ठीक है। तो उस केस में मेरे को ये कुछ बैटरी ड्रेन देखने को मिली है। सो यहाँ पर जो है एंड्रॉयड 14 में आपको बैटरी बैकअप थोड़ी बेटर देखने को मिली है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड 13, इवन सेम कर्नल है भाई दोनों का, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ 10.5 मतलब 9.5 घंटे का यहाँ पे आप पकड़ के चलोगे इस फोन में जो एंड्रॉयड 13 है वो, और अगर जो एंड्रॉयड 14 की बात करूं तो यहाँ पर 10 घंटे का यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम आप पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। कुछ हाफ एन आवर 1 आवर का यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करूं चार्जिंग स्पीड की, सो एंड्रॉयड 14 में आपको जो चार्जिंग स्पीड है वो अच्छी मिलेगी, जैसी थी वैसी ही, और एंड्रॉयड 13 में तो अच्छी है चार्जिंग स्पीड, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं जो चीजें बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया कंपैरिजन परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप का हर एक का इसका मतलब हर एक केस में ऐसा रहेगा। अब वो कर्नल पे भी डिपेंड करता है भाई कि कौन सा कर्नल कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये तो कस्टम रोम्स है भाई, तो कर्नल पे डिपेंड करता है कि आपका क्या बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस है वो। लेकिन जो केस में मेरे केस में मैंने जो चेकआउट किया तो ये कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर आउटपुट मिला, वही मैं आपको बताया, ठीक है। और बात करो एंड्रॉयड 14 की, तो मतलब मेरे को एंड्रॉयड 14 में दोनों इसमें मैंने गेम प्ले भी किया है, सो मेरे को एंड्रॉयड 14 में गेम प्ले उतना खास नहीं लगा है प्रेजेंटली। इनिशियल बिल्ड है भाई, कहाँ खास लगेगा, ठीक है। तो या लेकिन बैटरी बैकअप के मामले में मेरे को एंड्रॉयड 14 पसंद आया है, एंड्रॉयड 14 मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वही बात करूँ मैं एंड्रॉयड 13 की, सो इसमें तो बिल्कुल बैलेंस में आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट मिल जाती है। और बात करें थोड़ा सा बहुत ऐप ओपनिंग के बारे में, सो एंड्रॉयड 14 में जो है थोड़ा सा फास्ट मेरे को ऐप ओपनिंग फील हुआ है। अगर आप देखोगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एनिमेशंस वगैरह में अगर देखोगे तो एंड्रॉयड 14 थोड़ा सा फास्टली मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को। सो आपको ये चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको डिफरेंस आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। बाकी तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मतलब यहाँ पर क्या दिक्कतें मैंने फेस की इस रोम में, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले तो हम सबको डेवलपर को शुक्रिया अदा कहना चाहिए कि हमें इतना अच्छा अपडेट उन्होंने प्रोवाइड करके दिया, ठीक है, वरना हम एंड्रॉयड 10 पे ही अभी भी मरे होते। सो शुक्र मनाओ कि डेवलपर ने हमें अपडेट प्रोवाइड किया। स्पेशल थैंक्स टू द रेजिन डेवलपर जो कि उन्होंने ये स्पेशल अपडेट फर्स्टली रिलीज़ किया हमारे पोको F1 के लिए, ठीक है। तो चलो अभी बात करते हैं कि क्या इश्यूज़ मैंने फेस किए, ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसे ही रोम इंस्टॉल करोगे फ़ोन चालू हो जाएगा, बूट हो जाएगा सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं होगा। बूट होने के बाद यहाँ पर आपका नेटवर्क नहीं आएगा, ब्लूटूथ या वाईफाई जो है ये चीज़ें प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी, सिम भी नेटवर्क भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ देर तक के रहेगा, आपको 10 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, 10 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें नॉर्मली वर्किंग में आ जाएंगी, तो घबराना नहीं है। तो सबसे पहले आप थोड़ा वेट करो, सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही रोम इंस्टॉल करके बूट करोगे यहाँ पे आपके IMEI नंबर सारे नंबर्स गायब हो जाएंगे, कुछ शो नहीं करेगा, सर्विस भी नहीं आएगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ये पहला इशू मैंने फेस किया है, बाद में ये फिक्स हो चुका है, आपके सामने यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्किंग है। देन नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर अगर मैजिस का लेटेस्ट वर्जन डायरेक्टली फ्लैश करोगे तो आपका डिवाइस चला जाएगा बूट लूप में, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि रूट कैसे करना है एंड्रॉयड 14 को प्रॉपरली, वीडियो बना के रखा है, जाके उस वीडियो को आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर जैसे ही फ़ोन चालू होता है तो यहाँ पर एक पॉपअप आता है कि आपका एंड्रॉयड जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरर से आप कांटेक्ट करो ऐसा कुछ, तो उसको इग्नोर कर लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार इग्नोर कर दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देन
नेक्स्ट जो चीज़ मैंने खुद यहाँ पर जो फेस किए उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं YouTube पे वीडियोस देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे केस में हुआ इसलिए बता रहा हूँ, वीडियोस चल रही है लेकिन जब ऐड आता है ना, ऐड आने के बाद जो है ऐड ख़त्म होती है तो उसके बाद जो है वीडियो रन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वीडियो रन नहीं करता, वैसे ही अटका रहता है। आप बोलोगे भाई आप स्किप पे क्लिक करोगे तो वीडियो चलेगा, लेकिन वो स्किप वाला बटन भी नहीं आ रहा है कभी कभी। तो ये इशू मैंने फेस किया है, तो ये एक और बग मैंने इसमें देखा है मेरे केस में। जो जो मैं फेस किया हूँ वो सब बता रहा हूँ, आपके केस में आपने क्या फेस किया ये आपको पता रहेगा। अगर आपको कुछ इशूज़ फेस करने को मिली है तो वो नीचे कमेंट करके आप बताना, ठीक है। तो ये कुछ इशूज़ मैंने फेस किया। देखो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, अभी फिलहाल ये पहला बिल्ड है RC1, ठीक है। सो आगे आगे जो अपडेट आते रहेंगे उसके हिसाब से जो है सारी चीज़ें फिक्सेस आपने देखने को मिलेगी और आउटपुट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे प्रेजेंटली आपको कोई भी फेस अनलॉक वगैरह नहीं है, अपडेट्स आएंगी आगे उसके बाद आपको जो है फेस अनलॉक वगैरह ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखना, ओके। तो ये कुछ चीज़ें थी, अगर ये आप ओके हैं तो आप इंस्टॉल करो। मेरे ख्याल से रोम अच्छी है, ट्राई करने के लिए बहुत बढ़िया है, आप ट्राई कर सकते हो, मेरे को कोई मेजर इश्यूज नहीं लगे इस रोम में। हाँ अभी इनिशियल बिल्ड है तो थोड़ा बहुत तो बग्स रहेंगे भाई, तो वो अगर फेस कर सकते हो, अगर आप रेडी हो तो आप इस रोम को डाल सकते हो। मैं तो बोलता हूँ कि डाल के देखो, मेरे को तो स्टेबल अच्छा लग रहा है रोम, ठीक है, कुछ इश्यूज़ को छोड़ दूँ तो, बाकी आप चेकआउट करके देख सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहेंगी अपने चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और एक लाइक और एक शेयर कर देना प्लीज़ ब्रो, प्लीज़ एवरीवन, प्लीज़ एक लाइक और शेयर करो। आप इस तरह से मोटिवेशन मुझे करोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा, अगर आप लाइक शेयर करोगे तो थोड़ा सा हम मोटिवेट होके और अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करते जाएंगे। तो बस बाय बाय। नीड अ वेपन। Cover me! Clear! Reloading! Target down! Expired! Cover me! Nice shot! Reloading! The red team is in the lead! Me. Nice shot! Cover me! Blue team is in the lead! Kill!